काव्य मंच में बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मैं पूरे भाव में होके यही माला मैं उस शख्सियत को पहनाना चाहता हूँ जो इसका पात्र किरदार है। मैं अपने छोटे भाई यही माला। दरअसल हुआ ये कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे विवेक, जिस अवस्था में इस समय तुम गुजर रहे हो, मुझे शायरी की बिल्कुल कमी नहीं थी। मतलब मुझे नहीं आता था कविता विता लिखना, इंटरेस्ट भी नहीं था। बस बाबू की कुछ कविताएं खासतौर से जैसे रेत का एक कण जब वो पढ़ दिया करते थे, उसको कहानी की तरह से सुन करके मैं आह्लादित हो जाता था, काफी भावुक भी हो जाता था। लेकिन कविता की जबान मेरे पास नहीं थी प्रेमदा, मुझे नहीं कुछ भी आता था। लेकिन ये जो शख्स जिसने अभी मुझे माला पहनाई, ये लगभग सारी बातें शायरी में किया करते थे। उस समय जो परिवार में चर्चाएं बातें हुआ करती थी, उसको किसी शेर की जबान में कहना, किसी मुहावरे की जबान में कहना, ये हमारे माताजी के पास भी ये हुनर हासिल था उन्हें। मैंने एक शायरी में इसीलिए कहा, हमारे गाँव के पुरखे गजल में बात करते हैं, हमारे गांव के पुरखे गजल में बात करते हैं, मेरे लहजे से इस खातिर ये फनकारी नहीं जाता। तो ये फनकारी का ये हुनर इन लोगों का दिया हुआ है। और जिस समय भाई साहब गीता का प्रणयन यहाँ पर कर रहे थे, छंदानुवाद कर रहे थे, प्रणयन तो खैर व्यास जी करके चले गए, हम लोगों की क्या औकात है। कोशिश कर रहे थे कि एक सहज सरल और देशज भाषा में, एक सामान्य भाषा में जो हृदयगामी हो सके, उसका जब लेखन कर रहे थे तो मैं अक्सर इटावा आया करता था और मैं देखता था कि एक साधु की हैसियत से, एक साधक की हैसियत से और एक तपश्चर्या का जीवन इन्होंने 18-20 महीने का जिया है। और उसी का हासिल ये है कि आज गीता आप सबके बीच है और जल्द ही वो डायमंड पॉकेट बुक्स से भी प्रकाशित होने वाली है, उस पर मैं आ चुकी हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आइए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हम अपनी रवायतें भी बहुत जल्दी पूरी करते चलेंगे और साथ में कविता की धारा भी बढ़ती रहनी चाहिए। और निश्चित रूप से इससे पहले सबसे जरूरी काम ये है, सबसे जरूरी रवायत ये है, सबसे जरूरी परंपरा ये है कि हम कविता की भाषा को तब शुरू करें, हम कविता में कुछ कहना तब शुरू करें जब कविता का इसकी स्थापना करने वाली, कविता को जन्म देने वाली, कविता का रूप तय करने वाली, शब्द का नाद तय करने वाली और विवेक और वर्णन की और चिंतना की धारा तय करने वाली माँ शारदे के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपने शब्द, अपनी पूजा चढ़ा लें। इसके लिए क्या क्यों ना इससे बेहतर और क्या होगा, क्योंकि हम इटावा जैसे जनपद में रहने वाले हैं नमंदा, जहां हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन हिंदी में पैदा हुआ शायर उर्दू में गजल कहने जा रहा है और कौन उर्दू में पैदा हुआ शायर हिंदी में कविता लिखने जा रहा है। हम ऐसे इटावा जनपद के रहने वाले हैं, इटावा संयुक्त जनपद के रहने वाले हैं, तो वहाँ क्यों ना कौमी एकता का एक दीप हम यही सरस्वती वंदना से ही जला दें जो पूरे पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच है। आइए दीक्षित जी हमारे बड़े भाई भदना से पधारे हुए हैं। श्री दीक्षित जी, अभी इनका 60वां जन्मदिवस मना है, आइए इनका हम कोई भी अभिनंदन करें, इससे पहले इन्हें हैप्पी बर्थडे विश करें, जोरदार तालियां बजा करके मैं 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। और गोविंद माधव शुक्ल जी बड़े भैया, आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आए हमारी जमात के इस बड़े शायर बड़े गीतकार का अभिनंदन और सत्कार माल्यार्पण के द्वारा करें। श्रीमान अशोक दीक्षित जी, जो अनिल दीक्षित जी जो भरतना से तशरीफ लाते हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पंखे को चला दीजिए। और बाद लगता है मुझे कि एक बाद अनिल जी के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, मुझे परिचय ये दिया गया कि जनवादी कवि हैं, मुझे लगता है कि ये संकुचित हो जाएगा। वो जनवाद में तो खैर उनका है ही है, पारंपरिक लेखन है, लेकिन इसके अलावा भी कविता की जितनी विंग है उन सब में आपने बहुत खूबी हस्ताक्षर किए हैं, दस्तखत किए हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता ये था कि एक मिनट बात में सरस्वती वंदना के आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब रूपेश जी के सानिध्य में सबसे पहले मैं इसी रूम में बैठा था और चंद लोग जी हमारे ब्राह्मण और अखंड रामायण का पाठ हुआ था, उसी में उन्होंने हम दो चार लोगों को बुला लिया था। तो यहाँ जो गार्गी शुक्ला जी हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। बाद में उन्होंने रमन जी को बुलाया भी था मऊ में, लेकिन रमन जी हिम्मत नहीं बना पाए, वहाँ पहुँच नहीं पाए, बहुत दूर रास्ता थी। मैंने जो इस दो रिटायरमेंट के बाद जो अपना काम किया है, यह पुस्तक श्री कृष्ण का रामायण, ये महाकाव्य 8 भाषाओं में 9 भाषाओं में लिखा हुआ है, ये हमने कार्य किया है। मैं उन्हें आदर भेंट करना चाहता हूँ।
प्रश्न जरा फलते ही ज्यादा है। मुझे इससे ज्यादा मतलब आश्चर्य इस बात पर है कि हमारे गोविंद भाई साहब जब अकालत में नए नए आए, श्रीमती गार्गी शुक्ला से प्रभावित हो गए। मैं प्रभावित होने लायक हुआ तो मैं अपनी बड़ी भाभी से प्रभावित हो गया। आज मुझे बड़ा विचित्र सा लगा जब हमारे दादा प्रेम भी उन्हीं से पाए। और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को इस लायक समझा, क्योंकि हमारे यहाँ नियम भी यही है, जब भी कोई हमें फल देता है, कोई वरदान देता है, तो हम अपने घर की सबसे बड़ी वधूटी को आगे कर देते हैं, वो किसी को भी देते हैं, हम भाभी के द्वारा ही उसे स्वीकार करवाते। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आइए उसी क्रम को गति देते हुए, मैं जैसा कि कह रहा था कि हम एक कौमी एकता का दीप जलाने यहाँ जाते हैं, क्योंकि किसी शायर ने लिखा कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, यही एक माला पहना दो। मतलब किसी प्रकार ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे तकल्लुफ नाम की चीज है ही नहीं है। तो मैं चाहता ही हूँ अनुराग स्थल जी आए हुए हैं, एक माला उनको यही द्वार पर पहना करके उनका इस्तकबाल हम करें। जोरदार अभिनंदन कीजिए, तालियां बजा कर। आइए स्वागत। बहुत मेहरबानी किया कर रहे थे। किसी शायर ने कहा हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक आपदा खानम है, एक राजकुमारी है, एक आपदा खानम है, एक राजकुमारी है। उर्दू में दस्तखत करने वाले एक ऐसे शायर को मैं सरस्वती वंदना करने के लिए आप खड़े होने का गौरव हासिल करता हूं, जो औरैया की जमीन से निकलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। मेरी मुराद अयाज भाई और सरस्वती वंदना के द्वारा इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। ना वो तो स्थिर है ये। आज का ये शासक पार्षद समारोह जिसमें हम अपने घर के बड़ों के साथ भाइयों के साथ आज इकट्ठा हुए, दुख हुआ है, कुछ पंक्तियां हासिल करता हूं। कृपा को कर मुझ पर, कृपा को कर मुझ पर, मन मंदिर पावन हो जाए, हे मुझ पर मन मंदिर पावन हो जाए, प्रेम सुधा रसधार भीगे मन सावन हो जाए, क्या बात है सुभान अल्लाह, रसधार बह दे भीगे मन सावन हो जाए, कृपा को तेरे दर्श की एक झलक से मेरा जन्म सफल हो जाए, तेरे दर्श की एक झलक से मेरा जन्म सफल हो जाए, दीप जला आशा
बंद करूं जब तब तेरा धर्म। मैं बंद करूं जब तब तेरा दर्शन हो जाए। हाजिर करता हूं। तेरे तरस की एक झलक से मेरा दीप जलाए बैठा हूँ मैं, आशा ज्योति ना बुझने पाए। नैन कोर मैं बंद करूँ जब, नैन कोर मैं बंद करूँ जब तब तेरा दर्शन। इंद्र धनुष के रंगों जैसा मैं लहरा नील गगन में, तेरी दया हो यश पा जाऊं कि सो गजलों और भजन में। मानस का मंथन कर दे मेरे मन का, मंथन कर दे मेरे मन का, मंथन कर दे भावो विमल माखन। मन मंदिर पावन हो जाए, भीगे मन सावन हो जाए तब तेरा दर्शन। अरे अरे क्या आशा किया आज शायद कहा था, एक एक जब नहीं उठी पर कहीं पर जब मिला। मैं सोच रहा था कि कोई गंगा जमना करेंगे विशुद्ध गंगा बहाती। अयास भाई अपनी जबान के वो शायर हैं कि जब वो हिंदी में लिखने जाते हैं तो हमें लगता है कि तुलसीदास के वंश का कोई दीपक जल रहा है। कोई शक, कोई शक। और जब वो उर्दू की दुनिया में आते हैं तो हमें गालिब और मीर की याद आती है। जब अभी आगे आप उनको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मैंने एक भी लफ्ज जाया नहीं किया उनकी शान में जब वो शायरी के लिए आपके सामने आएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका। आइए हम कविता की इस धारा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले क्यों ना हम आज के अध्यक्ष महोदय और खास मेहमान का इस्तकबाल भी यहाँ शॉल उठा करके कर लें, जैसे उनका अभिनंदन अच्छे ढंग से हो जाए। मैं आपसे भाई कृपया जाएं और हमारे दोनों आज के खास मेहमान जो हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय जो गोंडा से तशरीफ लाए हैं साहब, दोनों को शॉल उठा करके उत्तरी उठा करके इस मंच पर स्वागत करें। अयास भाई जब कविता पढ़ रहे थे तो मुझे एक बड़े गीतकार की चार पंक्तियाँ याद आ गईं, वो मैं हाजिर करता हूँ साथ सुनिएगा। जब अयास भाई सरस्वती वंदना पढ़ रहे तब मुझे ये याद आई, मैं आपके सामने रखता हूँ। बैठो यार, आपसे बढ़िया वक्त सुनाने जा रहा हूँ, बैठ जाइए। मैं अभी घोषणा करता हूँ, इसकी व्यवस्था करता हूँ। अयास भाई कविता पढ़ रहे थे शाब्दे वंदना, उस समय चार पंक्तियां मेरे मन में क्या चल रही थी सुनिए। हिंदू कहता मंदिर में आ, हिंदू कहता मंदिर में आ, मुस्लिम कहता मस्जिद अच्छा। हिंदू कहता मंदिर में आ, मुस्लिम कहता मस्जिद अच्छा, सिख कहे गुरुद्वारे में आ, ईसाई बोले अच्छा गिरजा। सिख कहे गुरुद्वारे में आ, ईसाई बोले अच्छा गिरजा, यहाँ मंदिर वहाँ मस्जिद,
यहाँ गुरुद्वारा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, तुझे गिरने से मतलब है जहाँ चाहे वहाँ गिरजा। ये आज भाई का की शायरी है। ये जहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं बाबा की मजार पर, वहीं उतनी ही भावना के साथ सरस्वती के मंदिर में उनकी प्रतिमा दीप जलाते हैं। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये इसी सिलसिले में मैं आप दोनों अपने बंधुओं से निवेदन करता हूँ, मुझे आए सबसे पहले आज के सत्र का, इस महफिल के सत्र का अध्यक्ष महोदय का उत्तरी उदाहरण के सत्कार इस मंच पर कर दें। इधर तरफ फेस करके करें, अध्यक्ष जी को उड़ाया जा रहा है, भजन तो होने चाहिए। और एक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर दीजिए हमारे यात्री के बड़े गौरव, जिनको हम निश्चित रूप से बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। और एक और बहुत सम्मानित कह लें, इतने पढ़े लिखों की जमात में एक अलग से व्यक्ति आ गया, जिसको हम अनपढ़ के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन भी कर दीजिए। और अनुराग अनुराग भाई, मैं आपसे निवेदन करूँगा माल्यार्पण करके हमारे बड़े भाई सतीश मिश्र जी का माल्यार्पण के द्वारा यहाँ पर अनपढ़ जी का अभिनंदन कर दीजिए। जोरदार तालियों के साथ हमारे नजमी कमाल खान साहब, जो गोंडा से तस्वीर लाते हैं, उनका यहाँ पर अभिनंदन कर दीजिए। और आइए इस धारा को हम